टेल अस, इस तरह के अवार्ड कितना प्रोत्साहन बढ़ाते हैं एक आर्टिस्ट का, और कलाकार जो होता है वो जीवित होता है अपने दर्शकों की तालियों पर, और ये जो अवार्ड्स होते हैं ये प्रोत्साहित करते हैं उसकी कला को, उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाते हैं, उसे उम्मीद होती है कि शायद मेरा काम अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, शायद इसीलिए मुझे अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से जो भी अवार्ड ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो डेफिनेटली एक कलाकार का प्रोत्साहन तो बढ़ाते ही हैं, उसे हिम्मत भी देते हैं और वो अच्छा काम करने की कोशिश करते रहते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप अहम भूमिका निभा रहे हैं, आप से लेकर इसका जवाब तो देश की जनता ने दे चुका है, और एक बहुत अच्छा एक साहसी लीडर हमारे बीच है, उसने बड़ी हिम्मत से ये कर दिखाया है कि जो सोचा वो करके दिखाया है, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका आने वाले समय में ज़रूर बजेगा, क्योंकि मोदी साहब जो मिशन लेके चले हैं वो मिशन इम्पॉसिबल था लेकिन उन्होंने इसे पॉसिबल कर दिखाया। ओके, मेरा आखिरी सवाल, रोमन 2 जैसी फिल्म रिलीज होती है और उसी के दौरान 1500 करोड़ बंद होते हैं, अच्छी होने के बावजूद चल रही है, जावेद अख्तर साहब ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि पैसे में बदलाव हुआ, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये जरूरी नहीं है कि देखिए गवर्नमेंट किसी फिल्म के रिलीज होने की वजह से अपने पॉलिटिकल मूव को नहीं रोकेगी, ये बहुत पहले से प्लानिंग होती है और कोई भी चीज़ जब सामने आती है तो उसके पीछे 8-10 महीना साल भर की मेहनत होती है उस चीज़ को लेकर आए, ये किसी फिल्म के रिलीज होने या ना होने से उसको रोका या चलाया नहीं जा सकता, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसीज कब इम्प्लीमेंट करनी है सरकार जानती है। ओके, लेकिन जावेद साहब का कहना है कि रॉकेट को फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि पैसे में बदलाव करा है। ये जावेद साहब की सोच हो सकती है, मेरी सोच ऐसी नहीं। थैंक यू सो मच। रियली गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू हियर। सबसे पहले जाना चाहूंगा, एक प्रमोशन करने का अलग तरीका है शायद, जिस साफ दिली से आप कहते हैं पेंटर साहब वो बहुत छूता है, आप क्या सीखते हैं जब वो कहते हैं कि मेरे बच्चे की फिल्म है, बड़ी ईमानदारी से बनाइए, आपका आशीर्वाद चाहिए, फिर का इमोशनलिटी अप्रोच जितना वे ही यस इट डज एंड इट्स वेरी मेरे लिए बहुत बहुत मुझे आई गेट वेरी इमोशनल आल्सो, बिकॉज एक यही एक फादर की फीलिंग होती है दैट यू नो एवरी फादर वांट्स कि उनका बेटा आगे जाके अच्छा काम करे, बड़ा काम करे, तो एक ये फीलिंग होती है एंड एक यू नो एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑल्सो, बट इज वेरी हम्बलिंग, बहुत अच्छा लगता है और इनसे सीखने को मिलता है दैट नो मैटर हाउ बिग यू आर, आप जितना बड़े बनेंगे और उतने हम्बल बनेंगे तो ऑडियंसेस आपको और लाइक करेंगे और आपको प्यार करेंगे, ये जेन्युइनिटी उनकी है, मैं जानता हूँ। ओके, 30 मिनट्स को अब तक जो लोग सराह रहे हैं, जितना प्यार मिल रहा है, चाहे नो ट्रेलर की बात करूँ या टीजर की बात करूँ, मतलब सब कितना परफेक्ट साइन है, आप मानते हैं कि आधी जंग जीती जा चुकी है, लोग इस तरह से इस माहौल में जहाँ पे नो पैसों को लेकर इतने बड़े बदलाव हुए हैं, रॉकों जैसे जी असर पड़ता है? नहीं, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली यही एक बढ़िया एंटरटेनमेंट है और हमने इस फिल्म को, इस सब्जेक्ट को जो एक रियलिटी से इंस्पायर्ड है, इसको बड़े दिल से बनाने की कोशिश की है, तो और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये फिल्म जो ट्रेलर से भी लग रहा है, एनकरेजमेंट ये हो रही है कि ये लोगों के दिलों को छुएगी, और मेरी यही दुआ है कि एक बार अगर लोग देखने आ गए तो आई एम श्योर इट विल टच एवरीबडी, एंड बाकी तो जैसा मैंने कहा कि ये स्टारकास्ट फिल्म नहीं है, तो हमारे पास और कोई कुछ नहीं है सिवाय अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना प्यार देने का, बस उसी की रिस्पेक्ट के लिए मैं चाहता हूं कि ऑडियंस देखे और मेरे बेटे को, हमें, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, जो इतने सिंसियरली हमने काम किया है, उसकी अप्रिसिएशन मिले जो इट डिजर्व्स, बस। वी आर प्लानिंग, लेट्स सी, कोशिश कर रहे हैं कि जितने मेरे खास लोग हैं, थोड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है, लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग, यू नो बहुत लोग, अब ये सीजन टाइम ऐसा है कि अभी सब वेकेशन टाइम है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एवरीबडी टूगेदर, जो हमारे क्लोज डैड के जितने क्लोज लोग हैं उनको बुला के हम स्क्रीनिंग करें, तो वे होपिंग की हो जाएगा, जैसे अक्षय जी लॉन्च पे आ गए थे, इस तरह और भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेट्स सी
बट ये है कि बड़ा प्राइवेट रखूंगा उसको I'm nervous, I'm excited also, because it is my first solo film and बहुत एक फिल्म को खींचना एक फिल्म को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक पर्टिकुलर एक्टर एक पूरी फिल्म को जस्टिस दे ये थोड़ा सा इट्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द वर्क आई हैव डन मुझे अपने काम से कुछ वो नहीं है बट एक थोड़ा डर लगता है कि ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी वेदर दे लाइक इट एंड आई एम होपिंग दे विल लाइक इट एक्साइटमेंट भी है बट अंदर से थोड़ा हम लोग का जैसे जैसे डेट पास आ रही थोड़ा ऐसा वो दिल धक धक हो रहा है मैं बिल्कुल नर्वस नहीं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पिक्चर अच्छी बनी है और पिक्चर चलेगी दिस इज माई गट फीलिंग बाकी आई डोंट नो आप सब पे डिपेंड करता है कैसा है बट आई एम नॉट नर्वस थैंक यू गॉड ब्लेस बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि दो दिन बाद मेरा जन्मदिन है और उसका गिफ्ट आज ही मिल गया तो अवार्ड मिलने के साथ साथ मेरे सारे डायरेक्टर्स को मेरे सारे प्रोड्यूसर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री में आया हूँ एंड ऑफकोर्स सारे स्पॉन्सर्स को भारत आइकन अवार्ड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक फ्रेश अपकमिंग फेस के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया तो तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी आने वाली फिल्म मुजफ्फरनगर 2013 जो कि हिंदू मुस्लिम दंगों पे बन रही है तो वो फरवरी में नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है तो जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट तो चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे को विश करें उसके लिए कि वो पिक्चर अच्छे से चले थैंक यू अवार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जैसे बचपन में हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो जब तक पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते तब तक लगता नहीं कि कुछ अच्छा काम किया है इसी तरह एज एन आर्टिस्ट जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और उसके बदले में आपको अवार्ड मिलता है तो आपको एक सेंस ऑफ अप्रिशिएशन मिलता है आपको पता चलता है कि आपका जो हार्डवर्क है वो लोगों को पसंद आ रहा है और आपको उसके लिए आपकी काबिलियत के लिए सहारा जा रहा है जी नहीं एक्टर्स के लिए तो कभी भी जितने अवार्ड्स मिल जाए उतने कम है क्योंकि हमारे लिए तो यही हमारी अर्निंग है जो हमें ऑडियंस के थ्रू या पब्लिक पोलिंग के थ्रू हमें जो अवार्ड्स मिलते हैं तो जितने मिल जाए उतने कम है इनकी इम्पोर्टेंस फॉर एक्टर्स हमेशा नंबर वन रहती है